नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम हर एक पंचायत में जाकर वहां के प्रत्याशियों से मिल रही है और ये जानने का कोशिश कर रही है कि कौन से सोच के साथ वो चुनाव में आए हैं। तो उसी के क्रम में हम मौजूद हैं महुवारी पंचायत में और महुवारी पंचायत का हर एक अपडेट आप तक हम पहुँचा रहे हैं। तो आज जो हम अपडेट आपको पहुँचा रहे हैं वो है, आज 10 सितम्बर है और 10 सितम्बर के दिन महुवारी पंचायत से सरपंच के पद के लिए सुयोग्य और कर्मठ और ईमानदार सरपंच प्रत्याशी फेदनी देवी ने आज नामांकन करके आई है और जो चुनाव को जो फेस कर रहे हैं वो हैं योगेंद्र सिंह जी, उनके पति हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कितने फेज में ये नामांकन करके आए हैं और कौन से मुद्दा पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बोलिए नमस्कार, पकड़ना नहीं है। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। तो जैसा कि आज आपका नामांकन हो चुका है और ये घोषणा हो चुका है कि पंचायत में अब सरपंच के गद्दी से पद से चुनाव लड़िएगा, तो आपका कितने चरण में, कितने फेज में आप नामांकन किए आज? आज तो हम एक ही फेज में नामांकन किए हैं। कितना बजे नामांकन संपन्न हुआ आपका? 11:30 करीब में। तो आप कौन से मुद्दा पे रुआ चाचा जैसा कि चुनाव लड़ा तनी सरपंच के गद्दी खाती और सरपंच के जौन गद्दी होला, जौन पद होला, वो गरिमा का पद होला और ओ पर देखा जाला कि अनुभवी इंसान के ही बैठावल जाला ताकि ओकरा से कोनो गलती ना हो और जो समय आगे कोनो बड़ा फैसला ना ले। शांति स्वभाव आदमी के चुनल जाला कि सबके जनता के एक साथ लेके चलो और पंचायत के जौन भी समस्या वगैरह के वहीं सलटा दो, बाहर ना जाओ। तो का रुआ अपने पंचायत के हर एक जनता के हमारे चैनल के माध्यम से आश्वासन दे सकता नहीं कि वो पंचायत में कोनो भी मुकदमा रहुआ रहत भर में बाहर ना जाई? पहले तो बात यह है कि हम महुवारी पंचायत के सरपंच का उम्मीदवार हैं। एक बार पहले मैं लड़ चुका हूं और दूसरी बार मैं जनता की सेवा करने के लिए मैं सरपंच के पद के लिए का उम्मीदवार हूं। मैं जनता को, महुवारी पंचायत की आम जनता को, हम अहिंसा के पुजारी के तहत अकर्मठ सत्य और प्रेम सत्कार के साथ आम जनता को मैं उसका स्वागत करता हूँ कि उनके अंदर जो भी है विकास रोड संबंधी हो या शिक्षा संबंधी हो या बिजली का दिक्कत हो या एग्रीकल्चर का भी हो और जो समाज में जो आदमी के बीच जो झगड़ा होता है खेत संबंधी हो या किसी प्रकार का झगड़ा हो वह प्रेम प्यार और सहनशीलता नम्रता के साथ अच्छी तरह से समझा करके इस पंचायत में है उस समस्या का समाधान करूंगा और दूध का दूध और पानी के पानी की तरह फैसला करूंगा। यह ऐसा जो है ऐसा मैं काम करूंगा कि किसी प्रकार का मुकदमा जो है किस जो है पंचायत से वह बाहर नहीं जाए, श्रीमान नहीं जाए, जा वही सकता है जो मोडर हो वही जा सकता है। वो मोडर हमारे हक की बात नहीं है, हम उसको ना इंजरी रिपोर्ट दे सकते हैं ना रोक सकते हैं और खेत संबंधी जो बात आता है वह बात है कि कोई जो है अपना जो हक जमाना चाहता है कि ये हमारा खेत है वो हमारा खेत है, लेकिन कागज मांगने पर वो व्यक्ति देता नहीं है लेकिन ये कोर्ट जब मांगती है ना सरपंच को नहीं देती है और जब कोर्ट मांगता है तो इंसान ले जाकर कोर्ट में जो है हाजिर करता है। तो ये हमारे दोनों बस की बात नहीं है और जितने भी समस्या पंचायत के अंदर आएगी मैं अच्छी तरह से और उसको निभाऊंगा और जनता के बीच जो नफरत की दीवार जो दो व्यक्तियों के या 10 व्यक्तियों या समाज के बीच जो नफरत की दीवार है उसको गिरा करके वहाँ जो है प्यार की एकता मोहब्बत की दीवार खड़ा करके दोनों व्यक्तियों को एक थाली में बैठा करके और प्रेम की धागा में बांध करके यह बात समाप्त करूंगा और खूब अच्छी तरह से इस महुवारी पंचायत का हर तरीके से मैं विकास करूंगा। बिजली जैसे कि और दास ने कह गया कि दो सरकार ने हमको दो पावर दिया है, एक प्रथम जो है न्यायपालिका है और दूसरा जो है वो है कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर ये आता है लेकिन जो न्यायपालिका के अंदर ही आता है और कार्यपालिका के अंदर आता है रोड संबंधी हो, शिक्षा हो,
और नदी नाले का जो पानी है, गांव मोहल्ले का पानी जो कचरा है जो बाहर निकल नहीं पाता है, आदमी जो नाना प्रकार के उसके चलते कचरा के चलते नाना प्रकार की बीमारियां होती है और यह बीमारियां जो है कचरे के कारण होती है, उसको अच्छी तरह से उस नाले पानी को कचरे के पानी को एक ऐसा व्यवस्था करेंगे जो वो नदी या कहीं दूसरे जगह चला जाए, गांव की सफाई अच्छा हो और सभी आदमी जो है सुख से रहें, शांति से रहें, प्रेम में मिल करके रहें, एक दूसरे से कोई नफरत न करें। दास क्या कह सकता है, दास के अंदर तो बोलने की बहुत भावना है और करने की बहुत भावना है, लेकिन जब ये जो है सरपंच का जो ताज है वो जनता के हाथ में है और एक एक वोट दे करके जनता हमको एक माला के रूप में जब जिस दिन हमको पहनाएगी, ये जनता का सब बातों को मैं दुख को समझूंगा और अच्छी तरह के शांति से मैं उसको निभाऊंगा। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से जो महवारी पंचायत की जनता आपको देख रही है अभी, उस जनता से आप क्या अपील कीजिएगा, 29 तारीख को चुनाव है उसके लिए? जनता से यही मैं अपील करूंगा, भाइयों मैं एक कर्मठ योग्य उम्मीदवार खड़ा हूं और सबका विकास और सबका साथ मैं रहूंगा, आपके सुख दुख के लिए हर समय मैं हाजिर रहूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हमको जिताइए, मैं आई बी ए तक पढ़ा हूँ, मैं योग्य हूँ, सरपंच का जो है पावर, सरपंच का जो उम्र जो होता है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, एक कोई खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा एक जो है पद है और जो यह जो है एडवोकेट का पर्व है, एक न्यायाधीश का पर्व है, इसके इस पद में जो है किसी की भाग भी निहित रहता है बनने और बिगड़ने का। तो मैं ऐसा करूंगा जो दूध का दूध और पानी पानी का फैसला हो। तो सही बोल रहे हैं, जैसा कि ये जो पद है, एक एडवोकेट का भी पद है, एक जज का भी पद है, किसी का किस्मत बना सकता है तो किसी की किस्मत बर्बाद भी कर सकता है, तो यहाँ कोई भी इंसान चाहिए, वो समझदार चाहिए, शांत स्वभाव के चाहिए, धैर्य वाला व्यक्ति चाहिए जो सबको एक साथ लेकर चलने का काम करे। तो ये अनुभव का पद होता भी है, सच बोल, जैसा कि आप बोले 50 साल से ऊपर तो ऐसा है, लेकिन अब सरकार बहुत तरह की योजनाएं लागू करेगी और उसमें से सरपंच को भी कुछ हिस्सा मिलेगा कार्य कराने के लिए, तो इसको देखते हुए बहुत सारे यूथ लोग चुनाव में आ रहे हैं। खैर, जनता की पक्ष की बात है, जनता के ऊपर डिपेंड करता है जनता किनको वोट देती है और कैसे व्यक्ति को चुनती है, किसमें जनता की भलाई है। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र सिंह जी, जो महुआरी पंचायत से एक भावी सरपंच प्रत्याशी के पति हैं, इनका साफ का नाम है कि मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा और कोई भी मुकदमा अब मेरे पंचायत से बाहर नहीं जाएगा, वो जो दो मुकदमे होते हैं जमीनी और मर्डर का, उस पर मेरा बस नहीं है, उसको छोड़ के बाकी जो भी समस्याएं हैं सारी समस्या का समाधान महुआरी पंचायत के अंदर करने के लिए मैं सक्षम हूँ और सब समस्या का समाधान मैं करके जनता को दूंगा। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव।